अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मेरकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी। जी हाँ, ये बहुत डिलीशियस और बहुत इजी और जल्दी बन जाने वाली डिश है। इसे हम पराठे, पूरी के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी चटनी है, आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पर हमने 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसे बारीक काट लिया है। ये हमने 3 प्याज ली है और इसे भी बारीक काट लिया। ये हमने करी पत्ता लिया है, फ्रेश करी पत्ता, और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और 1 टीस्पून हमने सरसों ली है। 4 हरी मिर्चों को हमने बारीक काट लिया है। 1 कटोरी कटी हुई हरी धनिया। नमक लिया है हमने 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हल्दी ली है और 1.5 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, 1 टेबलस्पून जितना, और हमने इसमें करी पत्ता डाल दिया है और सरसों डाल दी है। और इसे अच्छी तरह से ये चटकने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे और हमें सारी प्याज इसमें डाल देनी है। फुल फ्लेम पे हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छा सा ब्राउन रंग आने तक इसे भून लेंगे, ब्राउन कर लेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और बहुत अच्छा रंग आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। ये देखिए, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम इसे। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया, और मिक्स करते करते हमारी हल्दी की कच्चापन भी दूर हो गया है। अब हमने इसमें टमाटर डाल दिया है और टमाटर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये चटनी बहुत डिलीशियस बनती है, सीरियसली आप इसे पुलाव के साथ और पराठे के साथ खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा सच में। बहुत ईजी और बहुत जल्दी बन जाएगी। और ये हमने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, अब नमक डाल देंगे हम इसमें और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हरी मिर्च ये भी डाल दी हमने इसमें। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि ये चटनी कैसी बनी है। इस तरह से आप ज़रूर बनाइए साउथ इंडियन स्टाइल में। और ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी होता है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि चटनी बहुत ड्राई बनेगी, मतलब सिर्फ ऑयल रहेगा। और इसे ढक के हम पका लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। और 15 मिनट बाद हम चेक करते हैं इसे, और ये टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। और ये देखिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, इस पर ऑयल आ गया अच्छा सा। बहुत ही अच्छी चटनी बन गई है, ये बहुत डिलीशियस दिख रही है, बहुत लाजवाब। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। और अब हम इसका गैस ऑफ कर देते हैं और इसे कर लेते हैं डिश आउट पराठे के साथ। और ये देखिए, बहुत डिलीशियस, बहुत यम बनती है ये चटनी पराठे के साथ खाने में, इसका कोई जवाब नहीं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे हमारी नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।